उस भागदौड़ में मेरा ख्याल जनरल फैज खुद इन्वॉल्व हैं। वो जो हमें पता चला है वो यही कि वो कोशिश कर रहे हैं किस तरीके के साथ ये डेडलॉक टूट जाए और मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए या कोई रिजॉल्व हो जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब का मौकफ यह है कि मेरा फैसला है, ये आपने कैसे मेरे मेरी नोटिफिकेशन से पहले क्यों इशू कर दिया। उधर से ये है कि हमारा तो यही ख्याल था कि हमने तय कर लिया आपके साथ बैठ के, इसलिए हमने अनाउंस कर दिया। तो जाहिर है असली हकीकत क्या है वी डोंट नो, बट जो हकीकत हमें पता ही है कि डेडलॉक है। अब सारा दिन कल भी और आज भी भागदौड़ होती रही है, यहां तक कि काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, एक दो कैबिनेट मेंबर्स भी इन्वॉल्व हो गए और आखिरी खबरें आने तक आधा घंटा पहले तक क्योंकि मैंने चेक किया कि जी अभी क्या सिचुएशन है, तो यही पता चला है कि एटलीस्ट कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी मूव नहीं कर रहे, वो कहते नहीं, और उधर से वो जीएचक्यू में भी अब वो भी डट गए कि नहीं। अब कहाँ जाके ये कॉम्प्रोमाइज होगी या नहीं होगी, हर एक का ये कहना होनी तो पड़ेगी, किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा, वो पंजाबी में जो कहते हैं किसी ने तो कौड़ा कुट करना पड़ेगा। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।